दोस्तों, इलॉन मस्क दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं। हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम बार बार उनके बारे में जानना और सुनना पसंद करते हैं। दरअसल उनकी जिंदगी हमारे लिए इंस्पायरिंग होने के साथ साथ हर मुश्किल वक्त में हमें गाइड भी करती है। वो पैसों की वजह से बड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी पृथ्वी, वातावरण और मानवता के लिए उनके समर्पण और काम ने उनको बड़ा बनाया है। आज की इस वीडियो में हम उनकी बायोग्राफी या डेली रूटीन के बारे में नहीं बताने वाले, हम उनके थॉट प्रोसेस यानी कि सोच का विश्लेषण करने वाले हैं जो इलॉन मस्क को इतना महान बनाती है। उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए जानते हैं इलॉन मस्क के थॉट प्रोसेस के बारे में। नंबर वन, वह बनाए जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। दोस्तों, रिच होना और सक्सेसफुल होना दो अलग बातें हैं। इलॉन सोचते हैं कि अगर $1 बिलियन का बिजनेस करना है तो उसके लिए 1 बिलियन लोगों के लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं, और इसी सोच ने उन्हें सस्टेनेबल एनर्जी और इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना है कि हमें सिग्नल पे ध्यान देना चाहिए, नॉइज पे नहीं। दरअसल बहुत सी कंपनियां हैं जो उन चीज़ों पर बहुत पैसा खर्च करती हैं जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला ने कभी विज्ञापन पे पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि सारा पैसा R&D, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में लगा दिया ताकि कार को अच्छा बनाया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि इलॉन के लिए एक अच्छी कार सिग्नल है, बाकी विज्ञापन वगैरह नॉइज की तरह है। उनके सारे कंपनियों का उद्देश्य सिर्फ लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है। नंबर टू, इनोवेटिव और बड़ा सोचें। इलॉन का मानना है कि आमतौर पर हम अपने डेली लाइफ में कुछ नया और इनोवेटिव सोचने की बजाय उसमें सुधार या अपग्रेड के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर साल कारों में थोड़ा अलग हेडलाइट्स, पहिए और डिजाइन देखने को मिलते हैं। स्मार्टफोन की बात की जाए तो डिस्प्ले, स्पीड और कैमरा में छोटे मोटे करेक्शन कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके अपोजिट इलॉन न्यू आइडियाज पे काम करना पसंद करते हैं, या फिर अगर सुधार करना ही है तो 10 गुना बेहतर के बारे में सोचते हैं। नंबर थ्री, क्रेजी की तरह काम करो और दृढ़ रहो। इलॉन मस्क वर्कहोलिक होने के लिए बदनाम है। कहा जाता है कि वो हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं और अपना लंच भी मीटिंग के बीच में ही कर लेते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी वो ऑफिस में ही सोफे पर सो जाया करते हैं, जिससे काम करने के लिए और टाइम मिल जाए। उन्हें अपने काम के प्रति गहरा लगाव है और दूसरों की मदद करने का जुनून है। असल में वो अपने काम से जितना संभव हो सके ह्यूमैनिटी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे और आप जितने अधिक दृढ़ होंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। नंबर फोर, कुछ बोल्ड करें और रिस्क लें। इलॉन मस्क के पास रिस्क, पेन और टेंशन लेने की गजब की क्षमता है। SpaceX के शुरुआती दिनों में तो कई बार वे दिवालिया होने के करीब थे और उन्होंने अपने पूरे करियर में अपने पैसे, इमेज और अपने एफर्ट्स को जोखिम में डाला। हालांकि उन्हें पता था पर्सनल ग्रेटनेस और ह्यूमैनिटी के लिए उन्हें यह रिस्क उठाना पड़ेगा। वो छोटे मोटे सुधारों के फेवर में नहीं थे, वो कई उद्योगों और दुनिया में क्रांति लाना चाहते थे। जब इलॉन मस्क ने टेस्ला की शुरुआत की थी तो किसी नई सफल कंपनी को बने 1 सदी के करीब हो गया था और इलेक्ट्रिक कारें भी कॉमर्शियली सफल नहीं थी। सोलर सिटी और टेस्ला के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से निपटने के लिए इलॉन बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। वो जानते थे कि नासा SpaceX मिशन में कोई सपोर्ट नहीं करेगा और उन्हें जो भी करना है खुद अपने दम पे करना है, इसलिए उन्होंने केवल 20-30% सक्सेस रेट मानकर SpaceX को शुरू करने का फैसला लिया था। और उनका कहना है कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, फिर एवरेज टारगेट क्यों लेना। लेकिन उनके डिसीजंस इलॉजिकल नहीं हो सकते। हम आपको याद दिला दें कि महज 12 साल की उम्र में इलॉन ने सिर्फ मैनुअल देखकर एक ब्लास्टर नाम का कंप्यूटर गेम बना दिया था। नंबर फाइव, अपने आदर्शों से समझौता न करें। इलॉन का मानना है कि हर इंसान के कुछ आदर्श होते हैं। कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए उन आदर्शों से समझौता करके अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। इलॉन ने मुश्किल से मुश्किल दौर में भी ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के दौरान कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया, और यही वजह है कि मुश्किल दौर में भी उन्हें सफलता मिलती गई। नंबर सिक्स,
फर्स्ट प्रिंसिपल से उत्तर खोजें। दोस्तों, अक्सर इलॉन मस्क को इंटरव्यूज में ये कहते हुए सुना गया है कि वो सोचने के लिए फिजिक्स के फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। हम इंसान दो तरीके से सोचते हैं, पहला तरीका है एनालॉजी और दूसरा है फर्स्ट प्रिंसिपल। जब हम एनालॉजी से सोचते हैं तो हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस और अभी जो थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं उससे निष्कर्ष निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेट कम करना है तो आप दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला है एनालॉजी, यानी आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा सोचेंगे कि मेरे कई फ्रेंड्स ने कोशिश की, जिम गए, डाइटिशियन से मिले, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और हम निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं वेट लूज नहीं कर सकता। लेकिन इसी को अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अनहेल्दी फूड्स, फिजिकल वर्क की कमी और मेरे लाइफस्टाइल की वजह से मेरा वेट गेन हुआ है, और बराबर नियंत्रण करके मैं इसको कम कर सकता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब है कि ट्रेडिशनल थॉट्स और प्रिंसिपल को चैलेंज करना, यानी आप पुराने अनुभव के आधार पर किसी निष्कर्ष पर मत पहुँचिए। खुद से पूछिए कि क्या वाकई ये सच है, इसका और क्या समाधान हो सकता है। एक इंटरव्यू में इलॉन से फर्स्ट प्रिंसिपल थॉट प्रोसेस के एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनके आलोचकों ने उनसे कहा था कि आप एक सफल इलेक्ट्रिक कार नहीं बना सकते क्योंकि बैटरी पैक बहुत महंगे हैं। तो मैं सोच सकता था कि वास्तव में बैटरी महंगे हैं जिससे कार की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, और मार्केट में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इसीलिए पैसा भी खर्च नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि आखिर बैटरी बनती कैसे है, कोबाल्ट, निकल, एल्युमिनियम और कार्बन को स्टील कैन में पैक करके। अगर हम अलग अलग मटेरियल खरीद कर असेंबल करें तो यह काफ़ी सस्ती हो जाएगी। मैंने वही किया और सफल भी हुआ। नंबर 7, लगातार नकारात्मक आलोचना की तलाश करें। आमतौर पर इंसान नकारात्मक आलोचना से नफरत करता है और हम चाहते हैं कि प्रशंसा की जाए, पीठ थपथपाई जाए और कहा जाए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इलॉन मस्क दूसरों से अलग हैं। वह लगातार नकारात्मक आलोचना चाहते हैं। उनका सुझाव है कि नकारात्मक आलोचना के लिए सबसे अच्छे आपके दोस्त हैं। असल में वो जानते हैं कि क्या गलत है, लेकिन सच बताकर आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते। इलॉन एक टिप और देते हैं कि यह सोचने की बजाय कि आप हमेशा सही हैं, मान लीजिए कि आप गलत हैं, और हमारे दिमाग में जो भी उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं उन्हें अपने उन दोस्तों के सामने रखिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। उनसे पूछने पे वो आपकी कमियों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क निश्चित रूप से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे सबक हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, लेकिन दिन के अंत में एहसास होता है कि हम वह नहीं हैं। हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, हमारी एम्बिशंस और हमारी लाइफस्टाइल भी अलग है, लेकिन हम उनसे प्रेरणा तो ले ही सकते हैं। जब हमारे दिमाग में कोई विचार आए तो यह तो हम सोच ही सकते हैं कि इलॉन मस्क होते तो क्या कहते या क्या करते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।